जी हाँ दोस्तों, आज का जो कैमरा है उसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत नहीं है। फिर भी आप कैमरा के लाइव प्रीव्यू को अपने स्मार्टफोन पे देख पाएंगे दुनिया के कहीं से भी। तो अगर आपका एक फार्म हाउस है, फिश पॉन्ड है या फिर खेत का निगरानी रखना हो तो ये वाला सीसीटीवी कैमरा आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ कैममेट का 4G सोलर आउटडोर वाटरप्रूफ सीसीटीवी कैमरा का। जी हाँ, ये जो कैमरा है ये IP66 वाटरप्रूफ है। चाहे बारिश हो, तूफान हो, इस कैमरा का कुछ भी नहीं होगा। और ये जो कैमरा है ये आता है 1.5 साल के वारंटी के साथ, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा बात है। और अगर प्राइस का बात किया जाए तो पहले इस टाइप का 4G सोलर सीसीटीवी कैमरास का प्राइस था 12,000 रुपीज, उसके बाद कम होकर आया 10,000 रुपीज पे और अभी चल रहा है 9,000 रुपीज। लेकिन ये जो कैमरा है इसको अभी आप खरीद पाएंगे सिर्फ 6,949 रुपीज पे। जी हाँ, क्योंकि अभी अमेजन पे सेल लगा हुआ है। तो अगर आपको एक ऐसी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाना था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ये वाला कैमरा ले सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लीजिए, इसका डेमो देख लीजिए और इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें नाइट विजन भी है। मैं रात का सैंपल भी दिखाऊंगा। और इस कैमरा को चलाने के लिए एक मोबाइल ऐप आता है, तो मोबाइल ऐप के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और ये जो कैमरा है ये आज के जमाने का सीसीटीवी कैमरा है। इसको चलाने के लिए आपको DVR मॉनिटर का कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए और इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना होगा, उसी में ही रिकॉर्डिंग होता रहेगा। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसमें आपको एक सिम डालना पड़ेगा, तो एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड बस। सिम कार्ड डालते ही ये कैमरा ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद इस कैमरा को आप कहीं पे भी छोड़ के आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर 18,000 mAh का एक बैटरी लगा हुआ है। जी हाँ, 18,000 mAh जो अच्छा खासा बैकअप देता है और उस बैटरी को चार्ज करता है ये वाला सोलर पैनल। तो दिन पे सूरज के रोशनी से ये कैमरा चार्ज होता रहेगा और रात में इसमें जो बैटरी है उससे ये रात भर चलेगा। और जो सिम कार्ड लगाएंगे उसके वजह से ये ऑनलाइन हो जाएगा और उसके वीडियो को आप स्मार्टफोन पे देख पाएंगे दुनिया के कहीं से भी। खेत पे लगा के घर से देख सकते हैं, अगर आपका फार्म हाउस दूर पे है तो घर से देख सकते हैं। उसके बाद पुराना रिकॉर्डिंग को भी आप मोबाइल पे देख पाएंगे। उसके अलावा इसमें सायरन है, अगर कैमरा के सामने कोई आता है तो इसमें से सायरन बजेगा और उसका नोटिफिकेशन भी आपको स्मार्टफोन पे मिल जाएगा। उसके बाद इसमें स्पीकर और माइक है, आप चोर से बात भी कर सकते हैं, उसको डांट के भगा भी सकते हैं। और ये जो कैमरा है ये एंड्रॉइड, iOS एंड डेस्कटॉप सभी में चलेगा, तो ये बहुत ही काम का कैमरा है। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये हो गया कैमरा का बॉक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है सोलर पावर्ड पेन टिल्ट कैमरा और ब्रांड का नाम है कैममेट। और यहाँ पे लिखा है क्लाउड रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। उसके बाद ऊपर में कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें सोलर पैनल एंड इनबिल्ट बैटरी है, PIR डिटेक्शन है, क्लाउड स्टोरेज है और यहाँ पे आप अप टू 256 GB का माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। अलार्म पुश नोटिफिकेशन मिलेगा मोबाइल पे। प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस आप कैमरा पे सेव करके रख सकते हैं। पैन टिल्ट मॉनिटरिंग है, मतलब PTZ कैमरा है। मोबाइल ऐप आता है एंड्रॉइड एंड iOS के लिए और डेस्कटॉप के लिए भी एक सॉफ्टवेयर मिलता है। उसके बाद इसमें 2-way कम्युनिकेशन है, 2-way टॉक है और कलर नाइट विजन है। इंस्टॉलेशन खुद कर सकते हैं और ऑटो ह्यूमन ट्रैकिंग है। उसके बाद इस साइड में और फीचर्स लिखा हुआ है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिए QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे ऊपर मिला है इसका सोलर पैनल, तो ये देखिए ये वाला हो गया सोलर पैनल, इससे ही कैमरा चार्ज होगा। इसमें एक वायर लगा हुआ है जो Type-C एंड के साथ आता है, ये देखिए इसका आखिर का हिस्सा Type-C वाला है जो कैमरा पे जाएगा और कैमरा का जो बैटरी है वो चार्ज होता रहेगा। उसके बाद ये वाला हो गया कैमरा और साथ में इंस्टॉलेशन करने के लिए एक्सेसरीज दिया हुआ है। तो चलिए कैमरा को निकालते हैं। तो ये देखिए ये वाला हो गया कैममेट का 4G सोलर आउटडोर CCTV कैमरा। तो ये वाला हो गया कैमरा का सामने का हिस्सा, ये पीछे का, यहाँ पे ही बैटरी लगा हुआ है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, उससे पहले चलिए देखते हैं और बॉक्स में क्या क्या है। तो बॉक्स में 6 मंथ का एक एक्सटेंडेड वारंटी का कार्ड मिला है। वैसे इस कैमरा में 1 ईयर का वारंटी है, तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगा, तो टोटल 1.5 साल का वारंटी मिल रहा है। उसके बाद और एक पेपर मिला है, अगर इस कैमरा को सेटअप करने के टाइम पे अगर आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ये बात भी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ये सब हो गया इंस्टॉलेशन किट और ये वाला हो गया यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल को पढ़ के आप कैमरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे कैमरा को इंस्टॉल किया जाता है वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ सब कुछ। तो ये देखिए ये भी हो गया एक माउंटिंग किट। उसके बाद ये भी एक माउंटिंग प्लेट, साथ में स्क्रूज वगैरह भी दिया हुआ है। उसके बाद है माउंटिंग स्टैंड, तो ये वाला हो गया माउंटिंग स्टैंड विथ स्क्रूज। तो बॉक्स में इतना ही था, तो ये सब चीज़ें आपको बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कैमरा को। तो ये वाला हो गया मेन 4G सोलर कैमरा।
सामने ब्रांडिंग किया हुआ है कैममेट, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इसमें आपको सिम कार्ड एंड माइक्रो एसडी कार्ड डालना होगा। उसके बाद नीचे ये वाला हो गया एक्सेल लेंस और ये 4 मेगापिक्सल का है तो इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद दोनों तरफ 4 LED लाइट्स है जिसके वजह से ये रात में कलर में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब इसमें कलर नाइट विजन है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंसर है और ये वाला हो गया PIR सेंसर। तो ये वाला कैमरा का सामने का हिस्सा और ये पीछे का, पीछे यहाँ पे बैटरी है और बैटरी का कैपेसिटी है 18,000 mAh जो दिन में सोलर पैनल से चार्ज होगा और रात में कैमरा को पावर देगा। उसके बाद यहाँ पे कैमरा का ID एंड QR कोड है, कैमरा को ऐप में ऐड करने के टाइम पे इसका जरूरत पड़ेगा। उसके बाद पीछे देखिए ये वाला हो गया स्पीकर, इस कैमरा पे स्पीकर और माइक दोनों है तो वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा और कैमरा के सामने जो भी है उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैमरा है ये PTZ कैमरा है, मतलब ये नीचे का जो हिस्सा है ये लेफ्ट राइट ऐसे घूम सकता है और ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, जिसको आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे और चारों तरफ देख पाएंगे। लेकिन इस कैमरा पे ऑटो ट्रैकिंग भी है, मतलब कैमरा के सामने जब भी कोई आएगा तब ये कैमरा ऑटोमेटिकली उसके तरफ पॉइंट हो जाएगा। तो इस कैमरा पे माइक्रो एसडी कार्ड एंड सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ पे है, ये देखिए इसको आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड एंड सिम कार्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिसेट का एक होल है, तो अभी यहाँ पे मैं माइक्रो एसडी कार्ड डाल रहा हूँ। तो माइक्रो एसडी कार्ड को आप ऐसे डालिएगा, इसका जो कनेक्टिंग पिन है वो नीचे रहेगा, उसके बाद पुश करने से एक क्लिक का आवाज आएगा और मेमोरी कार्ड लॉक हो जाएगा। दोबारा पुश करेंगे तो निकल आएगा, लेकिन इसको निकालने का जरूरत नहीं है। इस मेमोरी कार्ड में जो भी रिकॉर्ड होगा आप मोबाइल से एक्सेस कर पाएंगे और जब मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा तब यह कैमरा लूप रिकॉर्डिंग करेगा, मतलब पुराना वीडियोज को डिलीट करेगा और नया वीडियोज रिकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक सिम कार्ड डालना है, तो सिम कार्ड का जो कनेक्टिंग एरिया है वो ऊपर की तरफ रहेगा, तो सिंपली यहाँ पे डाल देना है और पुश करने से एक क्लिक का आवाज आएगा और लॉक हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आप सिम कार्ड को उल्टा डाल देंगे तो ये कैमरा काम नहीं करेगा। उसके बाद सिम कार्ड पे एक्टिव इंटरनेट पैक होना भी जरूरी है। उसके अलावा आप इस कैमरा को जिस जगह पे इंस्टॉल करेंगे उस जगह पे उस सिम का नेटवर्क ठीक से आता है कि नहीं वो भी देख लीजिए। जिस सिम का नेटवर्क ठीक से आता है वही सिम इसमें आप यूज कीजिए, नहीं तो आप स्मार्टफोन से कैमरा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने माइक्रो एसडी कार्ड एंड सिम कार्ड डाल दिया है। उसके बाद इस कैमरा पे पावर देने के लिए ऑप्शन यहाँ पे है, नीचे ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको सोलर पैनल का ये जो केबल है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी प्रोटेक्टिव फिल्म लगा हुआ है, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वाला हो गया पावर इनपुट और ये वाला ऑन ऑफ का स्विच। तो सिंपली आपको सोलर पैनल का जो केबल है उसको यहाँ पे लगाना है और स्विच को ऑन करना है। उसके बाद ये वाला हो गया कैमरा का ऊपर का हिस्सा। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैमरा को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सोलर पैनल है इसमें ये वाला जो स्टैंड है इसको फिटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 2 स्क्रू का होल है, वहाँ पे स्टैंड को ऐसे लगाना है और साथ में 2 स्क्रू मिले थे ये वाला, तो उनको सिंपली यहाँ पे लगा लेना है। तो ये देखिए अभी स्टैंड लग चुका है सोलर पैनल पे और ये जो स्टैंड है ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्टैंड है ये वाला हिस्सा जाएगा पिलर पे जहाँ पे आप कैमरा को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए मैंने ये टेम्पोररी पिलर लिया है, ये स्क्वायर पिलर है, आप राउंड पिलर पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो सोलर पैनल है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा। उसके लिए ये जो स्टैंड है यहाँ पे देखिए 4 होल्स है, तो वहाँ पे स्क्रू लगा के आपको पिलर पे इस सोलर पैनल को ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए सोलर पैनल लग चुका है, तो अभी इसके नीचे कैमरा को लगाना है, तो ये फुल सेटअप बन जाएगा। तो कैमरा को भी मैं यहाँ पे स्क्रू लगा के लगाने वाला हूँ, क्योंकि कैमरा के पीछे ये देखिए 4 होल्स है, तो वहां पे मैं स्क्रू डाल के पिलर में इसको लगा लूंगा। लेकिन अगर ये पिलर राउंड शेप का होगा तब आपको यूज करना पड़ेगा, साथ में ये जो माउंटिंग प्लेट मिला था इसका यूज करना पड़ेगा, इसको कैमरा के पीछे ऐसे लगाना पड़ेगा। साथ में 4 स्क्रूज दिए गए हैं, उसके बाद इसको पिलर पे लगाइए और पिलर पे आपको ये वाला बांधना पड़ेगा, ये भी साथ में मिलेगा। तो ये ऐसे इस प्लेट के अंदर से चला जाएगा और पिलर पे ये फिट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो पिलर है वो स्क्वायर शेप का है, तो इसलिए मैं स्क्रू डाल के लगाने वाला हूँ। तो पिलर पे कैमरा और सोलर पैनल दोनों इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए। तो ये हो गया फुल सेटअप। अभी सिर्फ आपको सोलर पैनल का ये जो केबल है ये वाला कैमरा पे लगा देना है और कैमरा का स्विच को ऑन करना है, और ऑन करते ही कैमरा रिकॉर्डिंग करना शुरू करेगा और सोलर पैनल से कैमरा चार्ज होता रहेगा। तो दिन पे सोलर पैनल से कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा और रात में बैटरी से कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा। और उसके लाइव प्रीव्यू को देखने के लिए अभी आपको इसका जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी इसके ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऐप को डाउनलोड करने का QR कोड यूजर मैनुअल पे दिया हुआ है। उससे पहले चलिए कैमरा को ऑन करते हैं, अगर इसमें चार्ज है तो ये ऑन हो जाएगा। नेटवर्क कनेक्शन, प्लीज वेट। तो ये इंटरनेट के साथ अभी कनेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली घूम भी रहा है। 4G नेटवर्क कनेक्शन सक्सेसफुल। तो इसने बोला है 4G कनेक्शन सक्सेसफुल, मतलब अभी ये कैमरा ऑनलाइन हो चुका है और रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया है। सिर्फ इसको देखने के लिए ऐप को डाउनलोड करना होगा, तो चलिए ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो ये वाला हो गया ऐप और ऐप का नाम है इजी क्लाउड।
अभी इसको इंस्टॉल करना है। तो ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं। एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा और एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैंने अकाउंट बना लिया है और लॉगिन भी कर लिया है, तो अभी यहाँ पे कैमरा को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे ऐड कैमरा पे टैप करना होगा। तो यहाँ पे बोला है जीपीएस को ऑन करने के लिए, तो जीपीएस ऑन है। तो अभी लोकेशन एक्सेस देना पड़ेगा, सबको अलाउ करना होगा। तो अभी ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए बोला है, सबको अलाउ करना होगा। तो मैंने अलाउ किया और ब्लूटूथ ऑन हो गया। तो अभी ये सर्च कर रहा है नियर बाय कैमरा। Please click on scan below and scan the QR code on the device body to add the device. तो अभी स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्कैन टू ऐड का ऑप्शन है, तो वहाँ पे टैप करेंगे। After the device is powered on, अभी कैमरा प्रिविलेज को भी ओपन करना पड़ेगा, सबको अलाउ करना होगा। तो अभी कैमरा पे जो QR कोड है उसको मैं स्कैन कर रहा हूँ, तो स्कैन हो गया। तो देखिए सेटअप कंप्लीट हो गया है। अभी कैमरा का एक नाम देना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ फार्म हाउस CCTV। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्लाउड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया है, लेकिन अभी मैं क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा हूँ, आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे कैमरा आ जाना चाहिए। तो ये देखिए नीचे अभी यहाँ पे कैमरा का लाइव प्रीव्यू आ चुका है। आखिर में नीचे फिनिश पे टैप करेंगे। ये कैमरा का QR कोड है जिसको आपको सेव करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए कैमरा आ चुका है, अभी इसको टैप करके आप कैमरा के लाइव प्रीव्यू को देख पाएंगे। तो ये देखिए कैमरा का लाइव प्रीव्यू आ चुका है। तो अभी कैमरा ऑनलाइन है, अभी आप इस कैमरा को फार्म हाउस पे लगा सकते हैं या फिर खेत में भी छोड़ के आ सकते हैं और घर से ऐसे लाइव प्रीव्यू को देख सकते हैं। अभी कैमरा पास है, लेकिन इन दोनों के बीच में अनलिमिटेड डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप इस कैमरा को मुंबई पे छोड़ के आएंगे, आप दिल्ली से भी देख पाएंगे। तो अभी मैं आपको इस कैमरा का जो वीडियो सैंपल है डे का नाइट का वो भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो ऐप है इसका फीचर्स के बारे में भी जान लीजिए। तो ये हो गया कैमरा का ऐप। ऊपर में यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू देख पाएंगे कैमरा का, इसको आप फुल स्क्रीन भी कर पाएंगे यहाँ से। तो अभी देखिए कैमरा फुल स्क्रीन हो चुका है, वापस जाएंगे छोटे स्क्रीन पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे PTZ व्हील है, इसको प्रेस करके आप कैमरा को लेफ्ट राइट अप डाउन कर पाएंगे। तो वो था PTZ फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर का आइकन है, इसको ऑन करके कैमरा के सामने जो भी है उनका बातचीत को आप सुन पाएंगे। उसके बाद नीचे ये वाला हो गया कॉलिंग का आइकन, इसको प्रेस करके आप कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उनसे बात कर पाएंगे। और बाकी के पुराना रिकॉर्डिंग को देखने के लिए आपको जाना होगा प्लेबैक पे। तो ये देखिए अभी पुराना रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है। नीचे ये टाइमलाइन है, इसको आप ऐसे ड्रैग करके पुराने टाइम पे जा सकते हैं। और ऊपर में डेट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर भी है, इस कैलेंडर से आप पुराने किसी भी डेट में जाके वीडियोस को देख पाएंगे। उसके बाद जरूरी क्लिप्स को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन है, तो यहाँ से आपको कैमरा का सभी सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन डिटेक्शन रिकॉर्डिंग एंड कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑप्शन, मोशन डिटेक्शन अलर्ट, और वहाँ पे आपको मोशन ट्रैकिंग भी मिल जाएगा। इसको ऑन करने से कैमरा ऑटोमेटिकली चोर की तरफ पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप साइरन को भी ऑन कर सकते हैं, साइरन को ऑन करने से कैमरा से साइरन बजेगा जब कैमरा के सामने कोई आएगा, और साथ ही जो लाइट है वो भी ऑन हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको इस कैमरा के बारे में और ऐप के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो चलिए अभी देखते हैं इस कैमरा का वीडियो क्वालिटी कैसा है डे का और नाइट का। तो ये देखिए ये हो गया इस कैमरा का वीडियो क्वालिटी डे का। आपको मैं नाइट का भी वीडियो सैंपल दिखाऊंगा, और ये जो ऑडियो है इसी कैमरा से ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी आप देख लीजिए और सुन लीजिए इस कैमरा का वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसा है। देखिए कितना दूर तक कवर हो रहा है, क्योंकि ये 4 मेगापिक्सल का कैमरा है, और देखिए कितना वाइड एंगल है, बहुत दूर तक कवर करता है। तो ये वाला हो गया नाइट विजन। अभी कंप्लीट डार्कनेस है, थोड़ा सा भी रोशनी नहीं है, फिर भी ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये था ब्लैक एंड व्हाइट मोड कंप्लीट डार्कनेस पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कलर नाइट विजन सैंपल। तो ये वाला हो गया कलर नाइट विजन सैंपल। अभी इसका LED लाइट ऑन है, तो देख लीजिए कलर नाइट विजन ऐसा है।
तो अभी आपने इस कैमरा के बारे में सब कुछ जान लिया है, इसके ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसका वीडियो क्वालिटी भी दिखा दिया है, तो आपको ये वाला कैमरा कैसा लगा? तो चलिए आते हैं कंक्लूजन पे। तो ये जो कैमरा है ये एक वैल्यू फॉर मनी आउटडोर 4G सोलर CCTV कैमरा है जो आता है बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स के साथ। इसका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा है, नाइट विजन भी है, कलर नाइट विजन भी है, और ये आता है 1.5 साल के वारंटी के साथ। तो ये वाला CCTV कैमरा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसको खरीद सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है और वो है मोबाइल नेटवर्क। जिस जगह पे आप इस कैमरा को लगाएंगे उस जगह पे उस सिम का मोबाइल नेटवर्क ठीक से आना चाहिए। अगर कैमरा को नेटवर्क ठीक से नहीं मिलेगा तो आप इसके लाइव प्रीव्यू को स्मार्टफोन पे देख नहीं पाएंगे, या फिर अगर नेटवर्क स्लो है, इंटरनेट अगर स्लो है, तो इसका जो लाइव प्रीव्यू है वो थोड़ा सा लैग करेगा। लेकिन ये मेमोरी कार्ड में कंटिन्यू रियल टाइम पे रिकॉर्डिंग करता रहेगा जिसको आप बाद में स्मार्टफोन पे देख पाएंगे। तो सिर्फ उसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का कैमरा बहुत ही अच्छा लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस टाइप के काम के प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।